Assalamu alaikum viewers, this is Mahnoor Umar and you are watching your favorite show Bujho To Jeeto. Welcome to your show viewers. Aaj ke program mein hum hazir hain ek nayi excitement ke saath, nayi location ke saath. Mall mein hain, log aaye hain bahut sare, inse karenge bahut sari baatein aur iske saath saath dil ki baatein bhi janenge ki kya unke dil mein chal raha hai, kya khwahishat hain, kya pareshaniyan hain. Main bhi sab sunne ke liye taiyar hu. To chaliye program ka aagaaz karenge. Aaj hamara sawal bada interesting hai ki wo kya cheez hai jiski char ungliyan hain, ek angoota hai, lekin na wo haath hai, na वो पाऊँ है, ना वो इंसान है, ना वो जानवर है, चीज़ है, वो क्या हो सकता है. तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद बाबर है. और आपका क्या नाम है? आइसक्रीम खा रही है. ठंड क्यों लग रही है? गर्मी लग रही है ना. सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आइसक्रीम या चॉकलेट? चॉकलेट. और आप कौन सी क्लास में है? क्या बनना बड़े होकर? आप इनके फादर हैं? जी जी, दिस इज माई डॉटर जी. तो आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी बेटी क्या बने? जी मैं तो यही चाहूँगा कि जी इसका फ्यूचर अच्छे से अच्छा हो. तो डॉक्टर बनने का इसका शौक भी है और आई ट्राई माई बेस्ट. आजे इधर आए. आई ट्राई माई बेस्ट कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे. वैसे तो आप जानती हैं कि एक आम आदमी के लिए डॉक्टर बनना पाकिस्तान में कितना मुश्किल है. तो इसमें जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए कि जो चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, मगर वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सके. क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी औलाद जो है ना, उसको अच्छा फ्यूचर मिले. ठीक है, चलिए मुझे बताएं ज़रा, क्या नाम बताया था बच्ची ने? इर्ज़ा नूर इसका नाम है. इर्ज़ा, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ भी होती हैं और अंगूठा भी होता है, लेकिन वो हाथ नहीं है, हाथ है ना पाँव है? परिंदा. नो, नहीं, गलत जवाब. आपको कोई पोइम आती है? हाँ जी, पोइम सुनाओ. जो आप हमें सुना दें जल्दी से. प्यारी सी पोइम सुना दो, जल्दी सुना दो. जल्दी सुना दें कैमरे में. चलो सुनाओ पोइम अच्छी सी. सुनाओ सुनाओ. नहीं आती. नहीं आती. चलें कोई बात नहीं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर टाइम. व्यूअर्स, आपने देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा खुश होते हैं जब उनके बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंस से कुछ सुनाएं. ज़्यादातर बच्चों की ख्वाहिश, बच्चे जो हैं वो शर्मा जाते हैं और वो कोई बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स जब ऐसे कह रहे होते हैं तो बच्चों को भी कर लेना चाहिए. हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? सानिया. आपका? दिया. दिया और सानिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र. प्यारी लग रही हैं दोनों. हाँ, हम दोनों अपनी ब्रांड का शूट करने आए थे. अच्छा, नाइस. तो क्या कर रही हैं आप? हमारी क्लोथिंग ब्रांड है कि हमारी क्लोथिंग ब्रांड के ही कपड़े हैं, तो हम उसी का शूट करने आए. टी शर्ट्स हैं आपका. स्टडी क्या की थी आपने? मेरी MSc HR में मैंने क्वालिफिकेशन. और आप? CS कर रही. ठीक है. कैसे प्लान बना डिज़ाइनर बनने का और बिज़नेस करने का? काफ़ी देर से मैं जॉब कर रही थी, तो जॉब करते करते मैंने सोचा कि अब कुछ बिज़नेस करना चाहिए. काफ़ी टाइम हो गया कि अब जॉब जॉब जॉब, सो इस वजह से अपनी एक छोटी सी क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया. जो बताएं कि ये आपको बिज़नेस ही क्यों करना था, आप जॉब भी बहुत अच्छी कर सकती थी. बिज़नेस का कितना फ़ायदा हो रहा है? अभी तो हमने स्टार्ट किया है, सो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छी सेल हो रही है. सो ये है कि अभी हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पे कंटेंट बना रहे हैं. क्रिएटिविटी क्या है इसमें, ये बताएं? टी शर्ट्स तो बहुत सारी होती हैं. हाँ, ये क्रिएटिविटी इसमें ये है कि हम लोग जो है वो मिनिमल जो है डिज़ाइन वो लेकर आएंगे. और अभी अपनी हमने स्टार्ट किया, सो अभी कुछ डिज़ाइन हमने अभी हमने बनाए हैं. एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ इस पर? प्लीज़ बी माइन. अच्छा, चलिए. मतलब वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कैची लाइंस होनी चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे. हाँ, आजकल शायद जो है वो कैची लाइन जो कुछ क्यूट और स्टफ़ ये चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, तो हम जो उसमें बनाए. आपको क्या लगता है ज़्यादा आपकी चीज़ें क्या सेल होती हैं ज़्यादा? हमारा जो ज़्यादा सेल हो रहा है, एक हमारा आर्टिकल है मूड मनी के नाम से, एक वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, और एक हमारा यही आर्टिकल जो है जो बी माइन वाला. यस, क्रॉप टॉप है. सो क्रॉप टॉप शायद लड़कियाँ ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं. ठीक है, तो आप दोनों पार्टनर हैं? हाँ, हम दोनों पार्टनर. दोनों पार्टनर हैं, तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि लड़ाई हो गई हो? अभी भी हो गई थी. अच्छा, ज़्यादा किस बात पे लड़ाई होती है? अभी हमारा कंटेंट बना रहे होते हैं, तो जाहिर है कि कंटेंट में कुछ छोटी सी चीज़ें. ज़्यादा कौन लड़ती है? मुझे लगता है ये लड़ती हूँ मैं. आप लड़ती हैं क्या? क्यों है? अच्छा, आप छोटी हैं और आप बड़ी हैं. चले, सवाल है हमारा, मुझे बताएं, हम देखते हैं आपकी कॉमन सेंस कैसी है. वो क्या चीज़ है जिसकी उंगलियाँ भी हैं और अंगूठा भी है लेकिन वो हाथ नहीं है? वो क्या चीज़ है कि वो उसकी उंगलियाँ भी हैं, अंगूठा भी है, पर हाथ नहीं है? वो क्या है? पता नहीं. सोचें क्या हो सकता है. पता नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो गई हैं. कुछ भी नहीं आ रहा. नहीं आता. क्या आपको लगता है आपके अंदर हिडन टैलेंट और क्या है जो आप शेयर करना चाहें?
नहीं बिल्कुल। देखिए वो कह दिया उन्होंने, अब तो सुनाना पड़ेगा। मैंने बहुत सिंस लॉन्ग गाने खाने छोड़ दिए हैं। अब वो शेर आता है नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, दो सहेलियाँ और दो अच्छी पार्टनर्स और बिजनेस पार्टनर्स, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर आप बिज़नेस पार्टनर भी हो जाएं, फ्रेंड्स भी हो जाएं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन कोशिश करें जब आप बिज़नेस पार्टनर बने तो आप लिखत पढ़त कर लें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना वो धोखा दे देती हैं और लड़के भी आपस में धोखा दे देते हैं, तो बिज़नेस में लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? इफ्तिखार। इफ्तिखार क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब, आज कैसे आना हुआ मॉल? आज हम लोग पहले आए हुए थे पार्क में, क्योंकि संडे था इसलिए, और उसके बाद भाभी ने और अम्मी ने चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो इन्होंने बोला कि आज आप लोग हमारे साथ ज़रा टाइम निकालो और ये इधर शॉपिंग मॉल में आओ। आपकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, मेरी अभी नहीं हुई, भाई की हुई है, इसकी अपने लास्ट ईयर में की है। आपकी कब करनी है आपकी अम्मी ने? दिसंबर में इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। लड़की पसंद आ गई है? अभी तो देख ही रहे हैं, जिस तरह की चाहते हैं ना उस तरह की अभी मिल नहीं रही, तो बस देख रहे हैं। किस तरह की लड़की चाहिए? बस अच्छी हो, घर को सारा अच्छे तरीके से चलाए, अम्मी अबू की इज्जत करती हो, इस तरह की चाहिए और कोई नहीं है डिमांड। अच्छा ठीक है, यानी कि घर संभालने वाली चाहिए? जी जारी बात, घर संभाल ले लेकिन आपसे मोहब्बत ना करे। नहीं मोहब्बत भी करे ना, बस ये ना हो मुझे मारे, मुझे आगे मेरे बाल काम है तो यही ना हो कि वो उतार दे। इस तरह की तो मुझे बताएं, अभी तक आपका कोई रिश्ता तो नहीं रिजेक्ट हुआ बाल कम होने की वजह से? नहीं, वो तो ओके करते हैं, हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। वो ओके क्यों? या फिर आपके पास पैसा बड़ा होना है? वो असल में सूरत नहीं सीरत देखते हैं ना, तो इस वजह से वो ओके कर देते होते हैं, लेकिन हमारी जो अम्मी है वो उनको अम्मी बहुत अच्छी होंगी। अम्मी हमारी बहुत अच्छी है, तो वो कि क्या ख्वाहिश है कि मैं अपनी एंजदी नू लेके आनी है, दुल्हन हो जो तुम्हें भी खुश रखे मुझे भी खुश रखे, वो भी एक को खुश करने। अम्मी ने ब्याह करना है? नहीं मतलब वो अम्मी की भी खिदमत वगैरह करती हो ना, तो आपको पता आजकल का जो माशरा है उसके अंदर लड़कियां कहती हैं बस हमने अपने मियाँ की खिदमत करनी है, बाकी किसी की नहीं करनी। सही कहती हैं जी, तो इस वजह सही कहती हैं क्योंकि इस्लाम में उन पर फ़र्ज नहीं है। बिल्कुल, तो इस वजह से बस ज़रा टाइम लग गया है, इसी चक्कर में मेरे बाल भी काफ़ी कम हो गए हैं, तो अभी उम्र कितनी हो गई है मेरी? माशाल्लाह हो गई है 27। आपको भी छोटे हैं? हाँ तो बस इसी अच्छे बताएं जी। हाँ 27 ही है अभी, तो आपकी बड़ी उम्र पड़ी है अभी, तो मर्द तो जाए 30 में ऊपर जाके शादी करें, इसलिए तो अभी इतनी जल्दी नहीं है हमें, ये ठीक है हो जाएगी जब होनी होगी है, ऐसे कोई है, सही है। मुझे बताएं सवाल है हमारा कि वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियां होती है और एक अंगूठा होता है लेकिन वो हाथ नहीं है? चार उंगलियां होती हैं, एक अंगूठा भी होता है लेकिन वो हाथ नहीं है। मोर का पाँव नहीं, मोर अंगूठा हाथ ही होगा ना किसी का? नहीं हाथ नहीं है, और क्या हो सकता है फिर? क्या टैलेंट है आपके अंदर? चलें जवाब तो आपको नहीं आया, टैलेंट सोचेंगे अभी। हाँ मैं ये मैं आप घर जाके लाजमी तौर के ऊपर सोचूंगा, टैलेंट यही है कि बस मेरी कोशिश यही होती है जो भी मेरे पास है उसको मैं समझाऊँ कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है आजकल का जो दौर है लोग मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अब जो वक्त आ गया ना वो ये है कि घर में माओं को कोई नहीं पूछता, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए भी टाइम निकालना चाहिए और अगर कोई गर्लफ्रेंड रखी है तो उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए, ठीक है ना? तो शरारती लग रहे हैं ये, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं मेरी नहीं है, मैंने इसलिए रखी नहीं। नहीं खड़ी हुई है, सच बता दें। उनको पता है मेरी कोई नहीं है, ये मोबाइल उन्हीं के पास रहता है मेरा सारा दिन, इतनी मैंने आज़ादी दी हुई। आप तो बिल्कुल मामाज बोए हैं। बस मैं मुझे एक अम्मी के साथ ही मैं रहना होता है। देख लें फिर, अभी आपने शादी नहीं करनी वरना अम्मी वो बुढ़ी ने आके कहना मेरे नाल रहो, इसलिए तो फिर अभी देना करवा रही कि अभी मुझे ये जरा अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते नहीं, देखें इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है तो अब हमारा भी टाइम है कि हम इनके लिए भी कुछ करें। बेशक बेशक, यही नहीं है कि लड़कियों को उठाएं पार्कों में ले जाएं उधर ले जाएं उधर ले जाएं, इसके लिए सारी उम्र पड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा हमारी इनसे बात हुई और इनका कहना ये था कि आप अपने वालदैन को टाइम दें, बिल्कुल दें, लेकिन किसी एक औरत की ज़िंदगी भी आपने ख़राब नहीं करनी है। ये जो ये बात थी कि आप किसी लड़की को लारा लगा रहे हैं, किसी लड़की को लेके जा रहे हैं, पार्कों में लेके जा रहे हैं, बजाय इससे कि आप उसके घर निकाह का पैगाम भेजें, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो कि शादी करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बैलेंस रखें अपने रिश्तों में, अपनी बीवी में भी और अपनी माँ में भी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो मामाज़
बॉय होते हैं फिर उनके घर भी नहीं चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो बैलेंस हर चीज़ में होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो, बच्चों का हो, फ्रेंड्स का हो, कलीग्स का हो, बैलेंस रखना ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम चांद है। चांद भाई तुम्हारा बड़ा स्वैग है, चेन चून पाई हुई है, पीले रंग की शर्ट पाई हुई है, बस अच्छी लगती है, येलो कलर मेरा वैसे। अरे क्या बात, ये दो कलर फेवरेट है, पैंट ब्लैक पाई हुई है, जूते सफेद। सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है लेकिन वो हाथ नहीं होता। चार उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है, जानवर है या कौन? इंसान नहीं, जानवर नहीं, चीज़ है। वो कौन सी चीज़ है? I don't know. You don't know. कितों आए हो? मैं दरोगा वाला से आया हूँ। वाह क्या बात है, पढ़ाई की है? No education. क्यों नहीं पढ़े? बस कुछ मजबूरी थी इस वजह। मजबूरी थी? शादी हो गई है? No शादी। करनी है? करेंगे अभी कुछ। किसी लड़की ने कह दिया कि मुझे तो पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, तो हम उसे लाएगा, मैं उसे नहीं लेके आऊँगा, मैं अनपढ़ हूँ, मैं लड़की भी अनपढ़ लेके आऊँगा। नहीं, कोई एक तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि बच्चे तो अनपढ़ ना हो। मेरी अंडर मैरिज इतनी, अंडर मैटर की बात पढ़ लो, अब क्या मसला है? तो वो घर की मजबूरियां, काम है, ये है, जिम्मेदारी है बड़ी। क्या काम करते हो? कोई मैं क्या काम करते हो? मैं बैंक में टी बॉय हूं। वाह अच्छा काम करते हो, आगे पढ़ाई करो, तुम्हारा डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा। सोचो तुम बैंक में एक दिन मैनेजर लग जाओ। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, सोचने में क्या है? हाँ ये तो बात है, पढ़ाई करो, बैंक में मैनेजर लगो, लोग कहेंगे टी बॉय से बैंक मैनेजर तक का सफर। आप आए, ख्याल आए? नहीं ख्वाब तो मेरा ये मैनेजर वाला नहीं, मेरा आउट ऑफ कंट्री जाने का ख्वाब। उत्ते भी जाके चाय बनानी है? नहीं चाय नहीं बनानी, ना कह रही हूँ, मशवरा दे रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ने की नाजराना मशवरा दे। चलें कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा बताएं कि अगर आपने, आपसे हम करवाएं टंग ट्विस्टर, आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेज तेज बोलना है, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता। ना हो पाया भाई तुमसे, ना हो पाया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू व्यूअर्स। जब ऐसे लड़कों को मैं देखती हूँ मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि पढ़ लें तो कितना अच्छा हो जाए। हम भी जब वक्तों में पढ़े होते थे अपने, तो उस वक्त पढ़ाई बड़ी बुरी लग रही होती थी, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको शऊर आता है। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अब्दुल्ला। आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला दोनों भाई लग रहे हो आप, बड़े आप छोटे। कौन सी क्लास में आप? मैं सेवेंथ में हूँ। और आप? सिक्स में। दोनों ने क्या बनना है बड़े होके, क्या गोल्स हैं, किससे इंस्पायर? मैंने एनिमेटर बनना है। क्या बनना है? एनिमेटर। एनिमेटर वो कौन होते हैं? जो एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं जी। अच्छा क्यों, ऐसे क्यों ख्याल आया? क्योंकि वो एक लौता तरीका है जैसे आप अपनी स्टोरीज को विजुअल स्क्रीन पर डाल सकते हो। ओके ठीक है। और आप? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? आज मॉल कैसे आना हुआ है? आज मेरी मम्मा ने और मेरी रिलेटिव्स ने मूवीज़ देखनी थी, इस वजह से हम उनके साथ आए। मूवी देखने के लिए हम दूसरी दफ़ा आए, कल हम आए थे लेकिन हम में जाना पड़ गया था तो आज फिर आए। चले आप बताएं वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ होती हैं, एक अंगूठा होता है लेकिन वो हाथ नहीं है? जादू। जादू कोई मिल गया वाला, तीन उंगलियाँ। नहीं वो एक चीज़ है जिसकी चार उंगलियां भी हैं और हाथ अंगूठा भी है लेकिन वो जो है ना हाथ नहीं है। चार उंगलियां, एक अंगूठा है, पाँव? नो पाँव भी नहीं है, पाँव की चार उंगलियां। जानवर है ना इंसान है ना हाथ है ना पाँव है, चीज़ है, चीज़ चार उंगलियां हैं। आप बता दें। मैं बाद में बता दूंगी, कुछ सुनाएंगे आप दोनों? क्या कोई सॉन्ग आता हो, कोई मिली नगमा आता हो? मिली नगमा आता है, दिल दिल पाकिस्तान आता है? नहीं उतना याद तो नहीं किया हमने। शेर आता है कोई? नहीं मतलब याद तो नहीं करते हम। ऐसा लग रहा है कराची से आए हैं आप, उर्दू स्पीकिंग लग रही है। हम भावलपुर से आए हैं। भावलपुर से आए हैं। इस बच्चे की लैंग्वेज लहजा बहुत कराची वाला लग रहा है, उर्दू वाला है ना। तो भावलपुर से आए हैं तो लाहौर के लोग कैसे लग रहे हैं? शोखे। शोखे क्या शोखा बन गया लाहौरियों ने? मतलब शो ऑफ। शो ऑफ करते हैं ज़्यादा, क्या चीज़ शो ऑफ करते हैं? पैसा ही। पैसा तो जिसके पास होगा वो शायद कर लेगा शो ऑफ शायद, है
मैंने ये देखा कि यहाँ पर अच्छे भी होते हैं, जैसे वहाँ पे अगर आप किसी को कोई बात कहते हो तो लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो अगर कुछ बुरा कहते तो समझा लेते हैं। यहाँ पे 15 होती है डायरेक्ट। वहाँ क्या होता है? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं होता। अगर लाहौर मूव होना पड़े तो लाहौर मूव होंगे। हाँ, आप भी शोके हो जाएंगे। हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अभी तक हमें जवाब नहीं मिल सका है और यहाँ पे वक्त हुए एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज के वापस इस वक्त हमें मॉल में आइए बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मिस खजाला। आपका क्या नाम है? महानूर इरफान। महानूर, ठीक है। महानूर, क्या करती हैं आप? पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। आपकी आँखें कितनी प्यारी हैं, आप ही देती होंगी मुझे लगता है। डरते मेरे मियाँ। आंटी सारियाँ गल्ला इतने ही दस देनी है। अच्छा, मुझे बताएं तो मियाँ कितना डरते हैं आप? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा कि ज्यादा? नहीं, आंखों से थोड़ा थोड़ा ही डरते। कभी आप से नाराज हुए हैं? वो नाराज नहीं, हम दोनों नहीं होते। आप भी नहीं हुई? बुढ़िया नाराज ना होने तो गल हो ही नहीं सकती। टीचर भी हूँ ना मैं। टीचर है? कौन सी क्लास में आप पढ़ाती हैं? क्लास को पढ़ाती हूँ। सख्त वाली टीचर है या प्यार वाली टीचर? प्यार थोड़ा सा। आजकल तो बच्चे जो हैं वो टीचर मार भी दें तो घर में शिकायत लगा देते हैं। लगाते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड कर लेती हूँ मैं पेरेंट्स को। कर लेती हैं समझा के? हाँ जी। आपको क्या लगता है आजकल बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा मुश्किल लगता है? मैथ। मैथ सदादा मुश्किल। उर्दू भी लगता है मुश्किल? भी मुश्किल लगता है। महानूर को कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल लगता है? बायो। और आसान कौन सा लगता है? मैथ। आसान लगता है, उसमें पूरे नंबर आ जाते हैं जी। अच्छा, चलें। सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियां होती हैं, एक अंगूठा होता है, लेकिन वो हाथ नहीं है? हाथ नहीं है? गिलाव। बिल्कुल सही जवाब। महानूर का दिमाग काम कर रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। तो और कोई पैगाम देना चाहती हैं? और कुछ? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल लग गई हैं बच्चों के लिए, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। मुझे जो गवर्नमेंट में बच्चे इतने गरीब घरानों के आते हैं ना, और उनकी माएँ घरों में काम कर करके पढ़ाना चाहती हैं बच्चों को, और वो बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पाते, और दो दो दिन के भूखे आते हैं बच्चे। तुम काश के मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं ना इनको कुछ कर सकती। हाँ, मैं तालीम ज़रूर देती हूँ ईमानदारी से और हौसले से। अच्छी हैं आप, आपको एक गले लगाना बनता है, बहुत अच्छी हैं आप। आपने रोना नहीं, और इसी तरह आपकी नीयत इंशाल्लाह रहेगी तो सारे बच्चे पढ़ जाएंगे। बच्चे माशाल्लाह से लायक हैं इसलिए, और अच्छा पढ़ रहे हैं। इतनी अच्छी टीचर हैं आप, मैं आपको मैं कहती हूँ सल्यूट करती हूँ कि आपकी ये ख्वाहिश है। मैं भी जब बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात कर रही होती हूँ, लड़कों से ज़्यादातर, वो कहते हैं हमने मैट्रिक किया ही नहीं, तो मैं मुझे भी बड़ा दुख होता है कि ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। सारे सुबह काम पे जाते हैं, और मैं खुद भी भेज देती हूँ बच्चों को कि चले आप ना काम भी करें पढ़ें भी। मेरी टीचर्स मेरे खिलाफ़ हैं बल्कि कि ये आप क्या करती हैं, तो मैं कहती हूँ कुछ तो सीखेंगे ना, कम से कम चलें अदब व अदाब भी सीख लेंगे, नहीं भी पढ़ते तो मैं यही कहती हूँ। शुक्रिया, बहुत सवाब आप कमा रही हैं। होना चाहिए कि वो कोई तादाद से ना घबराएं, ठीक है, उनमें से दो बच्चे भी हम काबिल निकाल देते ना तो हमारी आखिरत संवर जानी। नूरी आपकी मदर है, क्या सीखती हैं आप इनसे? इतनी अच्छी आपकी मदर है, इतनी अच्छी उनकी माशाल्लाह सोच है, एहसास इतना ज़्यादा है उनके दिल में, आपको फ़ख्र महसूस होता है कि मैं इनकी बेटी हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ये माशाल्लाह गोल्डन बच्ची है। बच्चे मेरे चार हैं माशाल्लाह, चारों बहुत अच्छे हैं। माँ बाप का इतना अदब करते हैं टीचर्स का, लेकिन ये माशाल्लाह मेरी गोल्डन बच्ची है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा कि एज ए टीचर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने पेशे से वफा कर रही हैं।
हम बहुत सारे लोग होते हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे भी वफा नहीं करते हैं, कि जिस तरह उनका एहसास, उनके दिल में जो चीज़ थी वो उन्होंने बताई कि उनकी आँखों में, उनकी बातों में, उनकी आवाज़ में एक लर्जा था कि बच्चे जो हैं वो तालीम नहीं हासिल कर पा रहे, गरीब हैं और काम करते हैं और उन वो चाहती हैं कि वो पढ़ें। तो आप भी प्लीज़ जो इर्द गिर्द लोग हैं, कोशिश करें, पकड़ें उनको और कहें कि आप पढ़ो, मोटिवेशन दें उनको, एग्जाम्पल्स दें कि आप पढ़ेंगे तो आप आगे कैसे बनेंगे, आप आगे क्या काम करेंगे, वरना धक्के खाएंगे और यही महंगाई, यही गरीबी और इसी चीज़ का रोना रोते रहेंगे। मेहनत का भी एक एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इसी तरह पॉजिटिविटी जब हमें मिलती है बड़ा अच्छा लगता है, हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रमीशा। बहुत क्यूट लग रही हैं। कौन सी क्लास में है? 9th। और आप? मैम BS मैथ्स कॉम। BS मैथ्स कॉम कर रही हैं आप? तो बड़ी छोटी लग रही थी मुझे, मैं तो लग रहा था आप अभी कहेंगी मैं 8th क्लास में हूँ। कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? हाँ जी, बहुत लोगों से मिलता है। क्या करना है अब मजीद, मतलब क्या आगे ना कोई अच्छी इसी फील्ड में आगे जॉब भी करनी है? इस फील्ड में BS मैथ्स कॉम की फील्ड है। मैथ्स कॉम की आपको क्या लगता है, क्या फील्ड हो सकती है? और काफ़ी फील्ड्स आती हैं इसमें, लेकिन मुझे एक सबसे यही लगी है, एक इस टाइप की है, एंकरिंग टाइप। और एंकर बनना चाहती हैं आप? हाँ जी। ठीक है, और आप क्या बनना चाहती हैं? लेक्चरर। लेक्चरर बनना चाहती हैं? आपको टीचर बनने का शौक है जी? अच्छा, अपनी किस टीचर से इंस्पायर हैं? कौन सा टीचर अच्छा लगता है? साइंस की टीचर। क्या नाम है उनका? मिस फाखरा। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। अपनी जो चीज़ें भी और जो लोग भी अच्छे लगते हैं ना, उनकी हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए। हमारा आज का क्वेश्चन, हम देखते हैं आपकी कॉमन सेंस कैसी है। वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है, लेकिन वो कोई हाथ नहीं है? आई थिंक ग्लव्स। आई थिंक यही होना चाहिए, क्योंकि चीज़ को सही जवाब दिया, मुझे लगता है आपने सुन लिया था जवाब, है ना? सच बताना ईमानदार नहीं, खुद ही जहन लड़ाए हैं। चलिए, आपसे टंग प्रेशर करवाते हैं। आपने बोलना है कच्चा पपी, नहीं ये बहुत ज़्यादा हमने करा लिया है। आपने बोलना है ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स, तेज तेज बोलना है, ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स, लेकिन फास्ट। पहले आप बोलें। ये वैसे बर्ड्स ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स, ब्लू बर्ड्स ब्लिंक्स। ये लिया आपने, आप करें ब्लू। चलें, आप तो पहले ही बारी में चली गई हैं। कोई मैसेज देना चाहती हैं या कुछ शेयर करना चाहती हैं? शेयर आता है? नहीं। आपको आता तो है मुझे शेयर। सुनाए। देखो ना, आज तारीख भी साथ साथ है और आज हम भी एक साथ नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने कहा हमारे इनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा बच्चियों से बात करके। आगे बढ़ते हैं, और लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अफशा। आपका? मलाइका। आपका क्या नाम? मुबीन। मुबीन, अच्छा। बड़ी आप तीनों जो हैं ये स्पेशली दोनों बड़ी ट्रेडिशनल सी बनी हुई हैं, झुमकियाँ पहनी हुई हैं। क्या पढ़ती हैं आप तीनों? मैं स्टडी करती हूँ 9th में। और आप? फर्स्ट ईयर में। क्या प्लान्स है, क्या करना है? एक्ट्रेस बनना है। डॉक्टर। मैंने लॉयर। एक्ट्रेस बनना है। किस कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं पसंद? किसी की एक्टिंग अच्छी लगती हो? जी। खुद की? नहीं। खाने की अच्छी लगती है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे आपने क्या कहा है, क्या बनना है आपने? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ठीक है। ये तो एक्टिंग करके भी डॉक्टर बन जाएंगी, पता है आप? जी, कुछ बन जाएंगी। क्वेश्चन आपसे कि वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ हैं और अंगूठा भी है, लेकिन वो हाथ नहीं है? I don't know. सोचें तो सही है। आप माशाल्लाह अभी पढ़ रही हैं, दिमाग भी चल रहा है, ये तो हमारे दिमाग बंद हुए हैं। क्या चीज़ है जिसकी चार उंगली है, एक अंगूठा है, लेकिन वो हाथ नहीं है? हाथ नहीं। चीज़ है वो एक चीज़ है, यानी कोई एनिमल वगैरह नहीं है? नो आइडिया। क्या सुनाना चाहेंगी आप तीनों? किसी को कोई शेर व शायरी आती है? गाना सुनाऊंगी। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में, तू लिख दे मेरा उसे ए खुदा। चलें, ये ए खुदा पे रुक गई आप, आगे नहीं आता था, गाना ही भूल गया। तीनों दोस्त हैं जी? ये फ्रेंड है, हम सिस्टर है। आप दोनों बहनें हैं, आप दोनों की आपस में कितनी लड़ाई होती है? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा किस बात पे होती है? दोनों कहती बहुत ज़्यादा।
ज़्यादा कपड़ों के मामले में। ये आपके कपड़े पहन लेती हैं? नहीं, मेरे कपड़े पहन लेती है, मैं इसे कुछ नहीं कहती, अपने नहीं देती इसको। फिर आप क्यों पहन लेती हैं? बस आदत है एक। यार ये ऐसी बहनें जो है ना बड़ी ज्यादती करती हैं, तो आप इनकी सुलह कराती हैं? जी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैंने तो सुलह करवानी है ना उनकी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहन बहनों का बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है, ये आपने कायम रखना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बहनें हो और उनमें लड़ाइयाँ ना हो तो ये नामुमकिन बात है, और ये बड़ी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बाद में आपको याद हो जाती है जब बहनें जुदा हो जाती हैं, यानी कि जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं और लोग आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, दोनों बहनें? नहीं, ये नीस है मेरी। अच्छा, आप तो खुद बड़ी छोटी लग रही हैं, आप क्या करती हैं? मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है और साथ अब। ये लोग इतने डबल मास्टर क्यों कर लेते हैं, एक मास्टर से उनका दिल नहीं भरता? नहीं, वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग मैंने किया है कि एक साइड पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी में चूज़ किया और दूसरी साइड पे मैंने एमए एजुकेशन सेलेक्ट किया है। मास्टर हो गया, लेक्चरर के अकॉर्डिंग। लेक्चरर हैं आप? लेक्चरर के लिए मैंने अभी क्या कर रही हैं? प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्जाम। अच्छा, नूर फातिमा आपके क्या गोल्स हैं, आपकी जो है वो क्या लगती हैं? आप खाला लगती हैं इनकी, तो खाला इतना पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, इन्हीं की तरह आप बनना चाहती हैं? जी। आपने भी लेक्चरर बनना है या आपके कुछ और गोल्स हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर बना? आज कैसे आना हुआ मॉल, कैसे सडन प्लान बना या प्लान बना कर आए हैं? नहीं, प्लान बना के आए। प्लान बना कर आए। क्वेश्चन है हमारा आज का कॉमन सेंस का, वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ होती हैं और एक अंगूठा होता है लेकिन वो हाथ नहीं है? I don't know. कुछ चीज़ हो सकती है, चार उंगलियाँ और एक नहीं पता। क्या शेयर करेगी, कोई पैगाम देंगी, मैसेज देंगी कोई? मेरा लड़कियों को ये पैगाम है कि लड़कियों को घर बैठ के कोई ना कोई हुनर सीखना चाहिए, वो फ्री में घर ना बैठे, अगर बैठती भी हैं, अगर घर में जो लेडीज़ बैठती हैं उनको कोई ना कोई काम सीखना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी हॉबीज़ अपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू। व्यूअर्स, पैगाम इनका बहुत अच्छा था कि ख़वातीन को चाहिए घर बैठ के वेलियाँ ना मारें, मोबाइल ना देखें, टिकटॉक और रील से निकल के कोई ना कोई काम सीखें। मुझे याद है एक ज़माना था जब बच्चियों को मैट्रिक की छुट्टियों में माएँ ये करती थी कि उन्हें कोर्सेज के लिए भेज देती थी कि 2-3 महीने जो ये छुट्टियाँ हैं इसमें बच्चियाँ सिलाई का कोर्स कर लें, खाने पीने का कोर्स कर लें, कंप्यूटर कोर्स कर लें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए फ़ायदा हो। लेकिन ये जो मोबाइल आ गया है, आपको पता है पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव भी है, तो लोग जो है वो नेगेटिव की तरफ ही जाते जा रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? एहतिशाम। क्या करते हो एहतिशाम? मैं पेंटो का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कैसे आना हुआ है, आज क्या करने आए हैं? वैसे इंजॉय दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ ज़्यादा इंजॉय होता है या घर वालों के साथ? अगर फैम वो वाइफ हो तो ज़्यादा होता है, घर वालों के साथ भी होता है। वाइफ है? नहीं, अभी ढूंढ रहा हूँ। किस तरह की वाइफ चाहिए? इस तरह ही चाहिए जो पैसे पूसे खवाए। बेड़ा तर्जे तो की आप घर बह के वेले रहना फिर? नहीं नहीं, नाल कमा के खावांगे। वो भी खवाए तो तुसी आप भी खाओ, फिर तुहानू पता तरक्की करना चाह रहे हैं। तरक्की करनी है तो बुढ़ी वो आए जिहड़ी आप भी कमांदी होए, नौकरी करदी होए। बिल्कुल, हां जी गल है। आप की करदे हो? मैं पेंटा का काम करना। कितना कमा लेंदे हो? 40-45 हज़ार रुपया, कभी 18 नहीं कटिया माशाल्लाह अपनी। क्यों क्यों कटिया? हरकतां तो? हरकतां तो नहीं, जो ऐसा ज्यादा बिलियां निकला ना तो फिर तुहानू पता है हौले हौले निकलते होंगे। अच्छा, चलो सवाल है, वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ होती हैं, अंगूठा भी होता है लेकिन वो हाथ नहीं है? वो किसी का पाँव होगा फिर? नो, पाँव भी नहीं है, चीज़ है। चीज़? जानवर है ना, इंसान है, चीज़ है। चीज़ के तो नहीं होते, इंसान के या जानवर के होते हैं? नो। क्या सुनाएंगे? शेर बोलूँगा। बोलें। कि उसको बुलाना है शाहजी, कि उसको बुलाना है शाहजी, काम थोड़ा मुश्किल है करके दिखाना है शाहजी। हो गया जी, ओके। के बड़ा हो जाए इसे? ऐ शेर है, इससे बड़ा हो फिर है। चलो सुनाओ। इससे बड़ा कौन सा सैड हो जाए, वो बदमाशी वाला हो जाए? नहीं नहीं, रहने दे, इतने बड़े बदमाश है, तू ना बदमाशी कर, घर जा आराम कर। नहीं नहीं, बदमाशी वाला हो तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, साडा प्रोग्राम बदमाशी वाला नहीं है। अच्छा जी, इतने मैं ही बदमाश हाँ। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? ज़ीशान अहमद। ज़ीशान क्या करते हैं?
मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वेरी नाइस, अच्छी फील्ड है ये, है ना? जी जी बिल्कुल, साथ ड्राइंग भी करता हूँ। ड्राइंग भी करता हूँ, ड्राइंग। ड्राइंग, अच्छा, क्या ज्यादा अच्छा, ड्राइंग में क्या बनाते हैं? मैं स्केच, ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं? नहीं नहीं, ड्राइंग करता हूँ, पेंसिल स्केच जो होता है। स्केच होता है, लोगों के फेसेस भी बना लेते हैं? हाँ, लोगों के फेसेस भी बना लेता हूँ और साथ जैसे वो सीनरी वगैरह भी बना लेता हूँ, ओवरऑल हर चीज। वो जिस तरह कैलीग्राफी कर लेते हैं? नहीं, कैलीग्राफी नहीं। कभी दिल किया कैलीग्राफी करने का? हाँ, दिल करता है लेकिन वो थोड़ा हटके है। चले, सवाल है, वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ होती है, एक अंगूठा, लेकिन वो हाथ नहीं है? देखा जाए तो हाथ ही है जिसकी चार उंगलियाँ और एक अंगूठा है। चीज़ है? खाने की चीज़ है? नो। इस्तेमाल होने वाली चीज़ है? इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, हिंट दे देती हूँ, सर्दियों में इस्तेमाल होती है। सर्दियों में? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। क्या सुनाएंगे? मैं शेर सुनाऊंगा। सुनाएं। दोस्ती की उल्फत से मुझे इनकार नहीं, कौन कहता है मुझे तुमसे प्यार नहीं। वादा है ज़िंदगी में साथ निभाने का, वादा है ज़िंदगी में साथ निभाने का, मगर अफसोस मुझे अपनी ज़िंदगी पे एतबार नहीं। वाह, क्या बात है, आपको नहीं किसी को भी एतबार नहीं अपनी ज़िंदगी। ऐसे ही है, तल्ख हकीकत है। वो एक शेर मुझे पता नहीं, मुझे भी आ रहा था, लेकिन वो क्या सितम है कि हम सब मर जाएंगे। वाह, है ना, यही है। यही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का और आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना पूछो तो जीतो, स्टे विद अस। वापस इस वक्त हमें मॉल में, आइए बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीशान। ज़ीशान, क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं, कपड़े का काम मतलब प्रिंट कौन है? नहीं, प्रिंटिंग वगैरह करवाता हूँ किसी मिल की, ब्रांड है हमारा उसकी। अच्छा, चले, मुझे ये बताएं आज कैसे आना हुआ मॉल, कैसे वक्त निकाला अपने लिए? हम वैसे घूमने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए, और ऊपर सारे एंजॉय कर रहे हैं जी बहुत। चले, सवाल है, वो क्या चीज़ है जिससे जिसकी चार उंगलियाँ होती है, एक अंगूठा होता है, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं है? फिर भी वो हाथ नहीं है, ना हाथ है ना पाँव है, चार उंगलियाँ और एक अंगूठा, चार उंगलियाँ और एक अंगूठा, कोई भी नहीं, कोई कट, एक चीज़ है, चीज़ है, इंसान नहीं है? नहीं, इसका नहीं पता। क्या सुनाएंगे, कोई शेर आते हैं? नहीं, शेर बिल्कुल। पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि इंशाल्लाह जो मुल्क के इस टाइम हालात हैं, हमें इसके ऊपर जो है मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, और जो भी बिल्स वगैरह इस तरह के जो मसले मिसाइल हो रहे हैं, इनके ऊपर भी हमें बोलना चाहिए कि ताकि गरीब आवाम जो है वो इससे निकल सके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा इमरान। आपका क्या नाम है? महनूर। महनूर और इरसा? अक्सा। अक्सा, अच्छा। अक्सा, आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में हूँ। कैसे आई हैं मॉल? बड़ी एक्साइटेड लग रही हैं दोनों। हम लोग वैसे ही घूमने आए थे, आउटिंग के लिए आए हैं। आउटिंग के लिए कहाँ से आए हैं? हम बाज़ार से, कैंच बाज़ार से। लाहौर से ताल्लुक है जी। जी, चले, सवाल है, वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ होती है, एक अंगूठा होता है, लेकिन वो हाथ नहीं है? परिंदा है कोई? चीज़ है, चीज़ है, कोई चीज़ है? नहीं, आई डोंट नो, आइडिया नहीं आ रहा कुछ। सोचे क्या हो सकता है, कोई चीज़ है? बहुत हो गए। इस्तेमाल होने वाली चीज़ है? आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इस्तेमाल? नो, आई डोंट नो। हर कोई नहीं करता, लेकिन वो इस्तेमाल होती है। चलो हिंट दे देती हूँ, सर्दियों में इस्तेमाल होती है। सर्दियों में इस्तेमाल होती है? तो नहीं पता। हीटर तो नहीं है? नहीं। चलें, आप दोनों कुछ सुनाएंगी, शेयर करेंगी, कोई शेयर आता है? नहीं नहीं, कोई नहीं, तो इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में। इंटरेस्ट ही नहीं है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, सवाल का जवाब तो नहीं आ सका, हालांकि मैंने हिंट भी दे दिया। जो इस वक्त मुझे टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको तो पता लग ही गया होगा कि मेरी पहेली का जवाब क्या है। आगे बढ़ते हैं और लोग भी यहाँ पर आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। क्या करते हैं? मैं बोर्ड ऑफिस में जॉब करता हूँ। आपका, वाह क्या बात है, ये लाहौर बोर्ड में करते हैं? जी जी। वो पेपर शेपर जो होते हैं वो कर लेते हैं आप? नहीं कर लेते हैं, अब तो ये रिजल्ट आने वाला 9 तारीख को। बताएं कि लोग आपसे कितना रेफरेंस बनाते हैं कि हमारे बच्चों का ये काम कर दें? बहुत सिफारिशें आती हैं, जो मेरिट पे है वही काम होता है, सिफारिशें तो बच्चे पास। लगता है कि उस इदारे में कुछ ऐसी गड़बड़ होती है? नहीं, मेरे अंदाजे कुछ नहीं होता, ये सब गवाएं हाँ जो बाहर से ड्यूटियाँ लगे वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते ऐसे काम। अच्छा। क्या आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। का अनस। मिनाहिल। आपका नाम क्या है? अनाबिया। कौन कौन सी क्लास में, सब बताएं। 2, 3, 4, 6, 2। आप कौन सी क्लास में? नर्सरी में। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आप सारे बच्चे छोटे छोटे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आप क्या बनना चाहते हैं? फौजी, डॉक्टर। आपका नाम क्या है? जुरेज। अच्छा जी, जुरेज, सारी फैमिली आई हुई है, ये सारे बच्चे आपके हैं? नहीं नहीं, ये मेरी कुछ भाभी के हैं, कुछ अपने बच्चे हैं सारे। ठीक है, चले सारे बच्चे हैं। इससे मेरा एक सवाल है, वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है लेकिन वो हाथ नहीं है, वो एक चीज़ है? स्पाइडर। नहीं, एनिमल भी नहीं है, एक चीज़ है। चलिए मैं हिंट दे देती हूँ, सर्दियों में होती है वो। मैं आपसे पूछ रहे थे, आप बताएं जी क्या? मैं क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियां होती है, एक अंगूठा, लेकिन वो हाथ नहीं है? हाथ नहीं है, सर्दियों में होती हैं, आई डोंट नो। आप सारे बच्चे क्या कुछ सुनाएंगे, किसी को कुछ आता है पोइम? जी मुझे सुनाएं। काले बादल आएंगे, मीमे लाएंगे, मीमे लोग लाएंगे, काले बादल आएंगे, मीम देगा जब जब तक, 7 बजेंगे ठप ठप ठप, हम भी शोर मचाएंगे, काले बादल आएंगे। ज़बरदस्त। चलें, आप क्या सुनाएंगे? आप कुछ सुनाएंगी? आप कोई माती आप सुनाएं। अगर मगर के मियां मगरमच्छ, हमको बताओ बिल्कुल सच, तुम है तुम्हारी इतनी मोटी, आंखें क्यों हैं छोटी छोटी, मुस्कराते हो तुम ऐसे, कोई बात हुई तो जैसे, अच्छा बाबा कुछ ना बोलो, दांतों वाला मुंह ना खोलो, तुम कोई गशम नहीं करोगे, सामने जगह हरप करोगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा पूरी फैमिली आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और भी लोग हैं यहाँ पे, देखते हैं वो क्या बताते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्यप है। कश्यप, आप क्या करती हैं? मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। और आपने क्या करना है आगे? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद CSS का प्लान है। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। CSS ऑफिसर बन के क्या करेंगी, मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं या चाहती हैं अपने लिए फ़ायदा हो? मैं दोनों तरीके से चाहती हूँ, अपने लिए भी फ़ायदा हो और दूसरों के लिए भी, जिसमें मदद हो मैं उस वो करना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी बात। कश्यप, आप लाहौर से ही आई हैं? हाँ जी। ठीक है, हमारा आज का जो सवाल है वो कॉमन सेंस का सवाल है, या पहेली कह लें, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसकी चार उंगलियाँ होती हैं और एक अंगूठा होता है लेकिन वो हाथ नहीं है? ना हाथ है, ना पाँव है, ना इंसान है, ना जानवर है। चार उंगलियाँ होती हैं और अंगूठा भी होता है लेकिन वो हाथ नहीं है। कोई स्टैचू वगैरह? नहीं। चीज़ है, सर्दियों में इस्तेमाल होती है। कोई खाने पीने में चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इस्तेमाल किस तरह के, मतलब किस तरह चीज़ों में? सब कुछ बता दूँ, दोस्त बना लूँ। अच्छा, इसके अलावा कोई और पूछ लें? इसके अलावा जो आप बताना चाहें वो बता दें। कोई मैसेज देना चाहती हैं? कोई शेर सुना दूँ? सुना दें। लव्स फिर लव्स हैं, जज्बों को समेटे क्यों कर, लव्स फिर लव्स हैं, जज्बों को समेटे क्यों कर, कैसे कर पाऊँ इजहार अकीदत तुझसे। अरे वाह क्या बात है, एक और आते हैं? सुनाएं। अच्छा, गुलाब जैसे हो, गुलाब लगते हो, हल्का सा मुस्कुराओ लाजवाब रखते हो। क्या बात है, ये शेर बड़ा इन है मार्केट में, बहुत सुनाते हैं ये लोग। चलें कश्यप, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स आपने देखा कश्यप बड़ी पोलाइट और बड़ी अच्छी लग रही थी। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके माँ बाप की तरबियत है, पोलाइटनेस है। ऐसे बच्चियों में जब पोलाइटनेस नज़र आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये हम जैसी लड़की होती है, वाह 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 करती है। हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग खड़े हुए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? रुमैसा। फिजा। कोमल। तीनों क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रही हूँ 10th क्लास में। आप मेडिकल MBBS कर रही हैं? जी। चलें, फर्स्ट सेमेस्टर है, चलें अल्लाह आपको कामयाब करे और आप एक अच्छी डॉक्टर बन के निकलें। आज क्या करने आई हैं मॉल? शॉपिंग। कजन्स गेट टुगेदर। गेट टुगेदर मॉल में ही करना था? बस अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छी बात है। अब आप लोगों से सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ होती हैं, एक अंगूठा होता है, लेकिन वो हाथ नहीं है? चार अंगूठियाँ होती हैं, चार उंगलियाँ फुट होगा। ना हाथ है, ना पाँव है, ना जानवर है, कोई चीज़ है इस्तेमाल होने वाली? फैन। ग्लव्स। ग्लव्स। तालियां बजाएं इस बच्ची के लिए, तालियां। वेरी गुड। चले आप तीनों क्या सुनाएंगे? किसी को शेर आता है? नहीं। आपको भी नहीं आता? आपको तो आना चाहिए था। आप जीती हैं, इस जीत पे आपको शेर सुनाना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उन्होंने जवाब दे दिया और बड़ी प्यारी बच्चियाँ लग रही थी। गेट टुगेदर करने आई थी मॉल में, तो वैसे मॉल में बहुत ज़्यादा रश है और लोग भी आए हुए हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्रेज। अब्रेज क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, अभी तो स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, आगे क्या स्टडी क्या कर रहे हैं? स्टडी में अभी मैट्रिक में हूँ। अच्छा, पढ़ने आगे या मैट्रिक करके बस नौकरी करनी है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह आगे पढ़ना है। आज मॉल क्या करने आए हैं? वैसे ही आज छुट्टी थी तो इस वजह से दोस्त वगैरह कहते हैं इंजॉय करने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो कोई मुझे बताएं कि शेर आता है आपको? नहीं, शेर वगैरह कुछ आता है अभी तो फिलहाल, फिल वक्त कुछ नहीं। सवाल पूछ लेते हैं आपसे। सवाल पूछ ले। क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है, लेकिन वो हाथ नहीं है? हाथ नहीं है, पाँव हो सकता है? पाँव भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, चीज़ है। चार उंगलियां, एक अंगूठा, लेकिन हाथ पाँव नहीं है। नहीं पता, कोई पैगाम देंगे? पैगाम कुछ नहीं, लोगों को यही कहूँगा कि अगर वो इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ मॉल आएँ, इंजॉय करें, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को। और कहाँ कहाँ जाएँ? जगह तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे फूड स्ट्रीट है मॉल। लाहौर से? जी मैं लाहौर से। पक्के लाहौरी? पक्के लाहौरी। अंदरून लाहौर के? नहीं नहीं, मैं शहरी। जी मुगलपुरा में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आगे चलते हैं और लोग आए हुए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है जी। क्या करते हैं इस्माइल साहब? मैं जी पढ़ रहा हूँ। स्टडी पढ़े हैं? मैं अभी बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं, आगे पढ़ना है? जी इंशाल्लाह ज़रूर जी। ये जो लड़के होते हैं ये मैट्रिक के बाद पढ़ते क्यों नहीं हैं, और मैट्रिक से पहले भी नहीं पढ़ते वैसे तो? मैट्रिक के ये ना ज़्यादातर हुनर को तरजीह देते हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने जलील ही होना है, तो वैसे अच्छा है कि मैट्रिक करके कुछ हासिल कर लें पहले ही। मेरे ख्याल में तो ये। कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली अटक से आया हूँ। अटक से आए हैं। अटक की मशहूर चीज़ क्या है? अटक की मशहूर चीज़ खाने में? खाने में? खाने में हो, पहनने में हो, ओढ़ने में हो। अच्छा, वैसे तो मशहूर वहाँ काला चिट्टा पहाड़ है, और उसके बाद खाने में मशहूर वहाँ अमरूद हैं, बस यही है। वो क्या चीज़ है जिसकी चार उंगलियाँ होती हैं, एक अंगूठा, लेकिन वो हाथ नहीं है? चार उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है, कोई थोड़ी सी हेड दे दें। सर्दियों में इस्तेमाल होती है? सर्दियों में इस्तेमाल होती है, चार उंगलियां, थोड़ी सी और हेड दे दें। No! थोड़ी सी बस दे सकती हैं, थोड़ी सी हेड और बता तो दिए। सर्दियों में इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर लोग बहुत ठंड में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ठंड में क्या सुनाएंगे? कोई शेर आता है आपको? शेर हाँ आता तो है। अच्छा जी, पंजाबी में सुना दूँ? पश्तो में सुना दें, पश्तो जो भी जुबान है। आप कौन सा सुनना चाहती हैं? मेरी व्यूअर्स जो सुनना चाहती हैं वो सुना दें। आपको पता होगा आपके व्यूज क्या ज़्यादा लाइक करते हैं? पश्तो भी सुन लेते हैं, पंजाबी भी सुन लेते हैं, उर्दू भी सुन लेते हैं। चलें, बहुत ही पुराना शेर है, उर्दू उर्दू का ही है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं। ज़बरदस्त। कोई पैगाम देंगे? पैगाम यही देंगे कि भाई पढ़ें,
पढ़ने वालों की यहाँ कदर की जाती है, बस यही है। बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल, थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने कहा कि पढ़ें, पढ़ने वाले की यहाँ पे कदर की जाती है, तालीम हासिल करें, वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सवाल का जवाब तो वो नहीं दे सकते हैं, देखते हैं आगे जो लोग हैं खड़े हुए उनसे बात करते हैं कि क्या वो जवाब देंगे, क्या उनको जवाब आता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको तो जवाब आता ही होगा। आइए मेरे साथ देखते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। चश्मा लाया है? अच्छा, क्या करते हैं? मेरा नाम, मैं बाइक का काम करता हूँ। क्या करने आए हैं आज मॉल? वैसे ही दोस्तों को छुट्टी थी, घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, पढ़ाई की है? हाँ जी, 4 की है। वो क्या चीज़ है जिसकी 4 उंगलियां होती हैं, 1 अंगूठा, लेकिन वो हाथ नहीं है? 4 उंगलियां, 1 अंगूठा, पर हाथ नहीं है। नहीं पता। क्या सुनाएंगे? शेर, शेर वगैरह का सुनाए। आता नहीं ना शेर। तो गाना आता है? गाना क्यों नहीं, गाना भी नहीं आता, क्या आता है? ऐसे अपना जो भी बता सकते हैं बाकी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था, मैंने हिंट भी दिया कि वो क्या चीज़ है जिसकी 4 उंगलियाँ होती है, 1 अंगूठा, लेकिन वो हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कोई जानवर नहीं है, चीज़ है। तो इसका सही जवाब था ग्लव्स। ग्लव्स जो सर्दियों में पहने जाते हैं। इंतहाई आसान सवाल था, मैंने हिंट भी दिया लेकिन लोगों को जवाब नहीं आया। आपने प्रोग्राम देखना नहीं भूलना जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में पूछो तो जीतो। जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे आपने देखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।